नमस्कार ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर फिट एंड हेल्दी एट योर प्लेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, अवर चैप्टर 11, लाइट साउंड एंड फोर्स. सो यू गाइज आर नो व्हाट इज लाइट, व्हाट इज साउंड एंड व्हाट इज फोर्स, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट understanding light, understanding sound and understanding force. We know what is light, what is sound and what is force, but in this chapter we are going to learn light, sound and force so briefly, right? So here we have activity you have to do with me. So take your pencil and do it with me. It's open. Sorry, it's page number 106. See, we know that the sun gives us light, right? हमें light कौन देता है? Because earth do not have their own light. So, where we get light from? We get light from sun, right? So, we know that the sun gives us light. As night falls, we use different objects to give us light. See, sun raat ko nahi hota na. As night falls, sun raat ko nahi hota, right? To us time hum alag alag objects ko use karte hai light ke liye. Look at the objects given in the picture below. Answer the questions that follow. See, here there are many objects. You have to see this and have to answer all these questions. Okay, so here is sun, lamp, bulb, candle, lantern, stars, table lamp, right? So first one is, which of the above objects give off light on their own? Yani isme se kaun se objects hai jo hame off light jo hai wo khud se chamakte hai aur hame bhi roshni dete hai, wo khud se off light chamakte hai, right? Jinki khud ki light hai. So these objects are sun and star. They have their own light, right? वो खुद से चमकते हैं, उन्हें light के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है. जैसे moon है या earth है, they do not have their own light. We get light from the sun, right? So sun and stars have their own light. So these are the objects which have give off light on their on, right? Second one is, do all the above objects give off light? ये सारे objects हैं, क्या वो सारे off light हमें रोशनी देते हैं? Yes, जब light नहीं होती तो ये सारे हमें रोशनी देते हैं, है ना? Yes. So can you see anything when you enter a dark room? Can you see anything when you enter a dark room? हम अगर रात को लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो उस रूम में एंटर करेंगे तो हम कुछ देख पाएंगे? नो, बिकॉज आवर आईज कैन नॉट सी विथआउट एनी लाइट, बिकॉज आईज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. आईज के पास खुद की लाइट नहीं है, है ना? उन्हें देखने के लिए रोशनी चाहिए. सो answer is no. The moment you switch on the bulb or the tube light, you can see everything. हम अगर ये जो objects है, bulb है, tube light है, इन्हें on करेंगे तो ही हम देख पाएंगे, right? So we cannot see anything when we enter in a dark room. Can you read a book with lights off? हम light off करके रात को अगर हमें
रीड करना है तो हम लाइट ऑफ करके रीड कर पाएंगे? नो, दिस इज बिकॉज वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. दिस इज बिकॉज वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. हमें अगर चीज़ें देखनी है तो वॉट वी नीड लाइट, राइट? लाइट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो कैसे हम कैसे फील करेंगे? वी आर लाइक ब्लाइंड मैन, है ना? तो वी नीड लाइट टू सी थिंग्स, राइट? सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू ऑन पेज नंबर 106. एंड नाउ टर्न द पेज नंबर 107, अंडरस्टैंडिंग लाइट. सो बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर, लेट्स सी द हार्ड वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट डाउन दीज हार्ड वर्ड्स इन योर फेयर नोटबुक. सो ओपन योर नोटबुक, टेक योर पेंसिल एंड राइट डाउन विथ वेरी गुड हैंड राइटिंग, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन चैप्टर 11, लाइट साउंड एंड फोर्स. हार्ड वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज एमिट. एमिट मतलब जलाना, राइट? ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें लाइट देते हैं, वो खुद से, दे हैव देयर ओन लाइट. दीज ऑब्जेक्ट्स वी कॉल देम ल्यूमिनियस, राइट? व्हाट इज नॉन ल्यूमिनियस? नॉन ल्यूमिनियस जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. फोर्थ वन इज डार्क पैच. डार्क पैच मतलब धब्बा, डार्क, काला काला कुछ दिख रहा है, उसे डार्क पैच बोलेंगे. फिफ्थ वन शेडो. शेडो वी ऑल नो, शेडो मतलब परछाई हमारी, राइट? नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एवरी लाइन विथ मी, ओके? व्हाट आई एम सेइंग, लिसन इट वेरी केयरफुली. सो अंडरस्टैंडिंग लाइट, हमें लाइट को समझना है. सो लाइट हेल्प अस टू सी. वी ऑल नो दैट लाइट हेल्प अस टू सी. लाइट हमें देखने में हेल्प करती है, राइट? तो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. हमें अर्थ, वी गाइज आर लिविंग ऑन अर्थ, है ना? तो हमें अर्थ में सबसे जो अच्छी सी लाइट देता है, द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, वो कौन है? इट्स सन, राइट? तो सन है वो हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. द सन, कैंडल, दिया, टॉर्च, ट्यूबलाइट एंड लैम्प आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ लाइट. सी, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच कैन हेल्प अस टू गिव ऑफ लाइट, है ना? हमें ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं होती तो दे आर हेल्पिंग अस टू सी थिंग्स. फायरफ्लाइज दैट वी सी इन द डार्क नाइट ऑल्सो एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. सी, फायरफ्लाइज आपने देखी हो, दीज आर दी फायरफ्लाइज. इसके नीचे ये जो लैम्प जैसा होता है, लैम्प जैसा नहीं होता, उसमें कुछ केमिकल होता है जिससे वो चमकती है, राइट? उसे फायरफ्लाइज बोलते हैं और वो डार्क नाइट को चमकती है और दे आर एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. वो खुद से वो लाइट जलती है. ऐसा नहीं कि ट्यूबलाइट ऑन करी तो ही फायरफ्लाइज दिखी, राइट? जैसे सन है, स्टार्स है, वैसे फायरफ्लाइज के पास भी खुद की लाइट है, राइट? ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस. यानी ऑब्जेक्ट्स है जो हमें ऑफ लाइट में, हमें ऑफ लाइट में भी चमकते हैं या फिर लाइट देते हैं या फिर उनकी खुद की लाइट होती है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस. डू रिमेंबर हाउ एवर दैट द मून ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, वी ऑलवेज सी द लीड फेस ऑफ द मून.
हमने SS का फर्स्ट चैप्टर देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, फेजेस ऑफ मून, राइट। तो वो क्यों होते हैं फेजेस ऑफ मून? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द सन, राइट। सन की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन मून पे जाता है, तो ही हम मून को देख पाते हैं। जितना भी मून हम देखते हैं ना, जितने भी फेजेस है ना मून के, वो हम क्यों देखते हैं? क्योंकि सन की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन मून पे जाता है, राइट। तो इसी वजह से वी ऑलवेज सी लीड फेस ऑफ द मून। जब फुल मून होता है तब पूरी जो मून है वो चमकता है बिकॉज ऑफ लाइट ऑफ द सन, है ना। तो रिमेंबर इट, मून डज नॉट हैव देयर ओन लाइट, सो मून इज नॉट ल्यूमिनियस। पेपर, टेबल, काइट एंड बेड आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस। यानी सी पेपर, टेबल, काइट, है ना, दे डू नॉट हैव देयर लाइट और इवन दे कांट गिव अस लाइट, राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं चलता, तो दीज ऑब्जेक्ट्स वी कॉल देम नॉन ल्यूमिनियस। तो अभी देखो, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस दो चीज़ें नहीं है हमारे लिए, तो ये बहुत ही ईजी है। ल्यूमिनियस यानी ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट, जो हमें लाइट देते हैं, टॉर्च, सन, फायरफ्लाइज, ट्यूबलाइट, बल्ब, है ना। दीज ऑब्जेक्ट्स गिव अस लाइट, है ना, तो वी कॉल देम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट। एंड विच ऑब्जेक्ट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस। सी फैक्ट, द शेड ऑफ अ ट्री इज एक्चुअली इट्स शेडो। सी द शेड ऑफ अ ट्री, ट्री का जो शेड है वो क्या है, इट्स एक्चुअली अ शेडो, वो शेडो है। शेडो जब हम सीखेंगे तब ये समझ में आएगा, बट दिस इज अ फैक्ट, यू कैन सर्च आउट एंड यू कैन सी ऑन यूट्यूब और इन एनी बुक, ओके। सो इन होमवर्क यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज हार्ड वर्ड्स एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 106 एंड यू हैव टू राइट डाउन 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स, ओके। नाउ सी वट इज द ल्यूमिनियस एंड वट इज नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स, विल रिपीट इट, ओके। सो अंडरस्टैंडिंग लाइट, लाइट हेल्प्स अस टू सी। लाइट हमें क्या करती है, देखने में हेल्प करती है ना। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ बिकॉज अर्थ डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, सो वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन एंड सन हेल्प्स, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, राइट। हमने जब अर्थ का चैप्टर समझा था तो वो भी सीखा था कि विदाउट लाइट एंड हीट देर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर लाइट ना हो तो हम जी भी नहीं सकते, है ना, अंधेरे में कैसे जी पाएंगे। नो, वी कैन नॉट लीव विदाउट लाइट एंड हीट। सी द सन, कैंडल, दिया, टॉर्च, ट्यूब लाइट एंड लैम्प आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ लाइट। ये हमें जब लाइट नहीं होती तब हमें क्या कह देते हैं, रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं। फायरफ्लाइज दैट वी सी इन द डार्क नाइट ऑल्सो एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। फायरफ्लाइज है जो, वो भी लाइट जलाती है खुद से, वो भी चमकती है ना, वो भी हमें रोशनी देती है। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं, खुद से चमकते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स वी कॉल देम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट। डू रिमेंबर हाउ एवर द मून ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन,
We always see the lead face of the moon. As I told you that moon does not have their own life light, so it is a reflection. जब हम moon को देखते हैं, moon के जो faces को देखते हैं, तो it is only a reflection of the light of the sun, right? So we always see the lead face of the moon. Paper, light, kite and bed are examples of objects that do not give off light. Objects that do not give out light are called non-luminous. हमें जो ऑब्जेक्ट्स लाइट नहीं देते, चेयर, टेबल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है विच आर नॉट गिव आउट लाइट, राइट? तो दीज ऑब्जेक्ट्स वी कॉल देम नॉन ल्यूमिनस. सो इन होमवर्क यू हैव टू राइट डाउन नॉट 5-5 बट राइट डाउन 10. ओके, आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं यू कैन राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन मिनिमम 10. आपको 10 तो लिखना ही है, पर ज़्यादा भी मिलते हैं तो यू कैन राइट डाउन. ओके, एग्जाम्पल्स लिखने हैं नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनियस के. सो अबाउट शेडो we'll learn in next video. Till then, bye bye everyone. Hope you guys enjoy this chapter. Stay healthy and drink more water.